आज दो विकेटें बाकी थी इंग्लैंड की, वो आउट हो गए और उसके बाद इंडिया ने बैटिंग की और इंडिया ने बड़ी उम्दा जबरदस्त बैटिंग की। दो विकेटें इंडिया की आज गिरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के हवाले से बात करते हैं। तीसरा दिन था आज खेल का और इंडिया के लिए पहले दो दिन काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, पिच को रीड ना कर सके, आई डोंट नो जो भी सिचुएशन थी, इंडिया की टीम 78 ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की और उन्होंने भरपूर जवाब दिया और अच्छी खासी 300 प्लस लीड ली उन्होंने। और उसके बाद आज दो विकेटें बाकी थी इंग्लैंड की, वो आउट हो गए और उसके बाद इंडिया ने बैटिंग की और इंडिया ने बड़ी उम्दा ज़बरदस्त बैटिंग की। दो विकेटें इंडिया की आज गिरी। 215 रन बनाए उन्होंने इंडिया ने और काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन ड्रेसिंग रूम में ज़रूर आया होगा क्योंकि अच्छी बैटिंग का मजारा किया। स्पेशली अगर बात करूं तो रोहित शर्मा ने 59 की इनिंग खेली, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद के राहुल जल्दी आउट हो गए मगर उन्होंने मैच को थोड़ा खींचा है, थोड़ा स्लो खेले हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा। देखें जब बंदा डॉट बॉल खेलता है ना कोई अच्छा बॉल बॉलर कर ही देता है जिसकी वजह से विकेट चली जाती है। के राहुल थोड़ा स्लो खेले, आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली पुजारा क्रीज पे मौजूद हुए, पुजारा ने ज़बरदस्त बैटिंग का मजारा किया, उन्होंने अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज की और क्रिकेट को थोड़ा पॉजिटिव खेला और 50 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 91 रन की इनिंग खेली। बहुत ही उम्दा उन्होंने बैटिंग की, उनका भरपूर साथ दिया विराट कोहली ने, उन्होंने 48 रन की इनिंग खेली। इस सीरीज़ में हाईएस्ट स्कोर है विराट कोहली का 48 और पुजारा अगर ये सेंचुरी बना लेते हैं तो 2019 के बाद पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और अब अगर वो अगर क्रीज पे रहे तो कल मौजूद तो है क्रीज पे, कल अगर वो खड़े रहते हैं तो ये 2019 दो साल के बाद वो इस सेंचुरी को मुकम्मल कर सकेंगे। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा का ख्वाब है कि मुल्क से बाहर सेंचुरी बना सके टेस्ट मैच में, वो अभी भी नहीं पूरा हो सका। आज अच्छा खेल रहे थे और वो लेग फोर आउट हो गए। उसके अलावा विराट कोहली भी 51 इनिंग हो चुकी है विराट कोहली की, उन्होंने कोई 100 रन नहीं बनाए। इंडिया की एक बात अच्छी थी आज, देखें विकेट की अगर सूरत हाल में बताऊँ तो विकेट क्योंकि इतना ज़्यादा स्विंग हो रहा है, मैंने देखा 75 ओवर तक भी बॉल पुराना होने के बाद भी स्विंग हो रहा था मगर ऑफ द पिच बॉल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जो पिछले मैच में हो रहा था और ऑफ द पिच बॉल बड़ा स्लो आ रहा है और बैट्समैन इजीली मैनेज कर रहा है। स्पेशली विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली का अगर वो मैप बॉलिंग मैप देखें जो इंग्लैंड ने किया है, उन्होंने बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर उनको बॉल किया ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी उन्होंने मिडल और लेग पे बॉल किया उसको मार पड़ी है। बट ये है कि उनका प्लान सिंपल है कि लेंथ पे बॉल फेंके, अभी भी 215 रन बनाने के बाद भी अभी भी 139 रन की अभी लीड बाकी है इंडिया के सर के ऊपर। और इंडिया अगर दो विकेटों होने के बाद जो आज आउट हुए हैं अगर वो लीड पूरी कर लेता है तो मे बी इंडिया के बचने के चांस है, अदरवाइज़ फिर भी देखें क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। आज इंडिया बहुत अच्छा खेला है, जम के क्रीज पे उन्होंने खेला है, ज़बरदस्त बैटिंग का मजारा किया, कम बैक अच्छा किया टेस्ट मैच में, स्पेशली अगर पहली इनिंग की बात करें 78 और दूसरी इनिंग की 215 पे दो आउट। तो अब देखते हैं इंडिया कितना स्ट्रगल करता है या कितनी एफर्ट करके कल का अगर पूरा दिन इंडिया अगर निकाल लेता है तो मे बी ये मैच थोड़ा सा पासा उसका पलट सकता है या ड्रॉ में जा सकता है या इंडिया लंबा खेल जाता है। अगर कल जल्दी इंडिया की विकेटें गिर जाती हैं तो फिर भी 139 रन बहुत ज़्यादा लीड है, इसको उतारने के लिए इंग्लैंड इंडिया को भी डेढ़ से दो सेशन लगेंगे। और अगर वो इंडिया निकाल देता है इस लीड को तो शायद ही थोड़ी बचत हो जाए, बट ये है कि फिर भी क्रिकेट है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड फाइट करेगा, जाहिर बात है कल नया बॉल लगेगा और नए बॉल के साथ इंडिया इंग्लैंड एंडरसन काफ़ी मशहूर है विकेटें लेने में और देखते हैं बाकी इंडिया के इंग्लैंड के बॉलर काफ़ी फाइट कर रहे हैं। आज स्पिन भी हो रहा था मोइन अली का और देखते हैं लेट्स सी कल क्या सूरत हाल होती है। क्रिकेट एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे,
तो आज का दिन इंडिया के लिए अच्छा है, देखते हैं कल का दिन भी इंडिया के लिए अच्छा होता है। तो अगर इंडिया कल का दिन ज़्यादा विकेटें गिराए बगैर निकाल लेता है तो शायद इंडिया इस टेस्ट मैच के से थोड़ा सा बच सके, बट अभी भी काफ़ी मुश्किल हैं। और देखते रहिएगा मेरा चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह क्रिकेट की अच्छी अच्छी अपडेट के साथ दोबारा आपके साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।